अपने जननी भवन से नहीं आए। कहीं संदेह होता है कि उनकी मैया ने अपने प्रेम रूपी डोरी में तो नहीं बांध लिया। निडर हो हुई से सदा समर न जीते को दशरथ के रन बांकुरे कीर्ति लतांबर हो। यशस्वी भव राजपुत्रों, यशस्वी भव। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारे गुरु को खल रही थी। तुमने आकर के मेरे मन में जो उत्साह भंग हो रहा था उसको टूटने से बचाया। अब यहाँ से वन की ओर प्रस्थान करो रघुनाथ। आओ ठाकुर गुरुदेव। हे राम, यहाँ से बक्सर वन मेरे आश्रम तक दो मार्ग हैं। एक तो 6 पहर का है और दूसरा 3 पहर का है। उसमें से अब तुम्हें किस मार्ग से चलना है सुनो राम। हे राम, यहाँ से तो रहे दोनों का मरण स्वतः विचार करो कि तुम्हें किस मार्ग से चलना है। बताओ मेरे राम। चराचर के सर, यदि आप कह रहे हैं बोलो बेटा राम। जी क्या करो और बतलाओ क्या इच्छा है कि आपके आश्रम पे चलने से पहले 2 रास्ते हैं। एक 3 पहर का है और दूसरा 6 पहर का रघुनाथ। और जो 6 पहर का है एकदम, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है। और जो 3 पहर का रहा है उसमें तमाम प्रकार के दुष्ट निशाचर असुर गंधर्व सब उसमें विराजमान रहते हैं। अवश्य रघुनाथ। लेकिन हे गुरुदेव, मेरे सलाह से तुम्ही हमको 3 पहर की राह चलनी चाहिए, क्योंकि इसलिए हो गुरुदेव। हर चलिए उरी भय छाड़ प्रभु, 3 पहरी
रात दिन ही पहर की राह चलिए, क्योंकि हम तो आपकी यज्ञ की सुरक्षा के लिए ही तो चले हैं। इसलिए मेरे अनुसार से आपको दिन ही पहर की मार्ग को चलना होगा। इसलिए हे गुरुदेव, हर तीन पहरी की रहिया चले हो उसको गिरा दूंगा। रघुवंश के अवतरण श्री राम, आज तुमने अपने पुरुषार्थ का पराक्रम दिखला करके संत समाज को ऋणी कर दिया था। चलो आओ मेरे साथ खेलेंगे, परंतु विशेष ध्यान रखना, इस मार्ग में 10,000 हाथियों का बल रखने वाली मारीच की माता तारका रहती है। उसके आतंक से, उसके नाम से संतों की रूह कांप जाती है। धनुष और बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा करके तब मेरे साथ चलो मेरे लाल, मुझे संशय है उसके नाम से डर लगता है। आओ आओ राक्षसी है, 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाली सौरवी है रघुनाथ। इसके नाम से संत समाज रोह कांपता है, डरता है। गज सहस्त्र बल ही तना रघुनाथ यह मारी तो करो, मेरा हृदय फटा जा रहा है रघुनाथ। मैं तेरा गुरु हूं, आदेश का पालन कर मेरे लाल। हे गुरुदेव, तो आप आज मुझे किस असमंजस में डाल रहे हैं?
क्या बोले रघुनाथ? हाँ गुरुदेव, ये जो तारका है ये तो बच्चे शादी का बच्चे तो पाप लगेगा, ये तो नारी हूँ। अरे हमारे क्षत्रिय धर्म में नहीं है कि हम नारी ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा करना तो हमारा परम कर्तव्य होता है, इसलिए मैं इस पे बाल किस प्रकार से चला दूं गुरुदेव? हे राम, तुम्हारा प्रश्न तो श्रेयस्कर है। जब क्षत्रिय समाज की भुजदंड शक्ति की पराकता पर मैं विचार करता हूँ तो प्रश्न तुम्हारा श्रेयस्कर है, परंतु समय धर्म को सर्वोपर रखने के बाद निर्णय लेना चाहिए। और शास्त्र तो कहता है रघुनाथ कि माँ तो पिता गुरु कई प्रिय बानी, अब भी नहीं विचार करही सुबह पिता का और गुरु का आदेश तो स्वर्ग के मोक्ष से भी बढ़कर के होता है रघुनाथ। तुम्हारा परम कर्तव्य है अपने गुरु के आदेश का पालन करना, शिष्टता का अंत करो। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य ही करूंगा, इसके संहार में तुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। धर्म के विरुद्ध जो जाता है वह पुरुष हो समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं, अनुचित करके खाओ।
पतली बनाओ लगता है कि तुम्हारे खुशी होता तारिका के पास खुद ही है भेज दिया आज तेरे सामने तेरा आहार नहीं बल्कि तेरे कारण के लोग आए हैं। सबसे पहले लेकिन अपने कानों की खिड़कियां खोल के सुनिए कि मैं कौन हूं। तो छत्री का जाया चक्रवर्ती कौशलेश का लाल हूँ। सुन रही मैं ना तो आवाज। तो छत्री का जाया चक्रवर्ती कौशलेश का लाल हूँ और आंखें पसार दे तू इस राक्षसों का काल हूँ। अरे हवा बन के तू चला तू फान वही हूँ। तब कैसा होगा ये जो तुम कह रहे हो इस प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं है। तब कैसा होगा बोल मत कर बंद बातें बोल मत कर बंद बातें रे भागने आज से और श्याम की बंसी कहा जो भिड़ गए गजराज से मत की काम करते ही जो की कौन कहे अरे संगता ले ले तुमको बात कैसा है चार हाथियों का बने जब तब तुम तुम तकलीफ की तरह और तीनों तो उठाई दूंगा लकड़ियों की तरह। शायद तुझको पता नहीं है कि छत्री का धुआं उठता है तो छत्री का धुआं उठता है निष्कार काम के लिए नहीं और जब तक खलदल में ना संहार करूं और विश्राम नाम के लिए। अच्छा कहने का मतलब है कि छत्री का धर्म यह होता है कि एक नारी पर हमला करे। बेकार का हमारे छत्री भूमि में तो नारी गई ब्राह्मण इनकी सेवा की जाती है। सत्य कह रहा है लेकिन मेरे अंदर तो एक भी नारी के गुण नहीं है जिस प्रकार से मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। अब तू बता तेरे अंदर ऐसी कौन सी एक जो मुझे तेरे मौत के काल से मैं तुझे छोड़ दूँ ये कभी गुण तू अपने अंदर बता। तुझसे ही राक्षसी हूँ और राक्षसी का यह धर्म होता है कि सुंदर सुंदर राजकुमार जो घूमते हैं उनको पकड़ पकड़ के खा डालू। तो तुम राक्षसी हो नारी नहीं। हाँ तुम्हारी अगर मती तब तो बाढ़ में नहीं चला पाऊ। एक राक्षस का संहार करना तो हमारा परम कर्तव्य होता है। कहने का मतलब आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं क्यों नहीं तो चलिए युद्ध करिए।
कहे गुरुदेव, आज इस दुष्ट पतिता नारी का अंत करके तुमने नारी समाज को शिक्षा दी कि यदि नारी अपनी मर्यादा से परे होगी तो उसका भी दंड यही होगा। तेरी जय हो मेघराज, तुमने धर्म के लिए यह कार्य किया, संसार में तुझे सर्वदा श्रद्धा और स्नेह की दृष्टि से देखा जाएगा। क्या मेरा आशीर्वाद है? दिव्य वैष्णव बाण ब्रह्मा जी जिस समय मुझे दिया था तो उन्होंने कहा था जिसकी योग्यता होगी उसी को देना। रघुनाथ के अंतर्गत समस्त एक सुसज्जित योद्धा के लक्षण प्राप्त मैं देख रहा हूँ। धर्म के लिए यह बहादुर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है, इससे बढ़कर के मेरा इसका पात्र कोई दूसरा है नहीं। स्व रघुनाथ बाण स्वीकार करो, इसकी विशेषता है जब तक तुम्हारे अक्षय तुरीर में यह रहेगा न तो तुम्हें भूख लगेगी और न ही प्यास, तथा कोई भी सम्रांगण में यदि बहादुर आएगा तो प्रत्यक्ष युद्ध में मारा जाएगा, इसका यह प्रभाव है। अब चल करके मेरे आश्रम को प्रस्थान करो। आओ आओ मेरा आश्रम नजदीकी ही है। अरे अपनी करिए और हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। गुरुदेव, हे करुणा निधान सुजान श्री राम, तुमने तो मेरे मन की बात को छीन लिया। क्या सुंदर त्रिभुज में आ रही है शीतल मंद सुगंध, और मेरा विश्व कल्याण का जगत कल्याण का समा यज्ञ अधूरा है। पात तुमसे यह मेरी आशा है और मेरा विश्वास है कि इस यज्ञ को भंग नहीं होने दोगे, क्योंकि मैं जब जब अपना सवाल यज्ञ आरम्भ किया मारीच आदि दुष्ट राक्षस आकर के ध्वंस कर देते हैं, उसमें अवैधानिक तत्वों का समावेश कर देते हैं, निष्ठा हार रुधिर और मांस गिरा करके मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। रघुनाथ, तुमसे अपेक्षा है कि पूरी तत्परता के साथ मेरे यज्ञ की रक्षा करना। आप जाकर के अपनी यज्ञ करिए, इसी अपेक्षा के लिए आया था। परमात्मा ने आज मेरे सवा यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सोच लिया। वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा भवानीलक्ष्मण, हेलो, तुम जाकर के गुरुदेव के पास में खड़े रहना। जी भैया, क्योंकि यहाँ पे मारी सुबाह हेलो जैसे निशाचर रहा करते हैं, हेलो,
अरे गुरुदेव का सेवा यज्ञ पूरा होने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से उनके यज्ञ के थाली में मांस मदिरा इस प्रकार की चीजें वहां पर नहीं आनी चाहिए। जी भाई एकदम ध्यान पूर्वक से वहां की सुरक्षा तुमको कर रहा है। और मैं स्वतः प्रथम द्वार पे जा करके उनकी सुरक्षा करूंगा। कैसे आ गया भैया? हेलो आप रूपेंद्र बोबड़े जी, जो कि चलते हुए प्रसंग में खुश होकर सादर 11 रुपए अर्पित होते हैं। भगवान वे धन धान्य से परिपूर्ण रखे। जय श्री राम। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः